नमस्ते बच्चों, मैं कीर्ति सागर पटेल कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र के इकाई 4 अध्याय 10 कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम कार्य। कार्य हम किसे कहेंगे, कार्य का होना कब कहा जाएगा, इस पर यदि हम विचार करें तो हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में हम पढ़ना, लिखना, बोझ उठाना, साइकिल चलाना, कुएं से पानी निकालना आदि क्रियाएं करते हैं। इन क्रियाओं को ही क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। भौतिकी में कार्य का होना तभी माना जाता है जब वस्तु पर बल लगाने पर विस्थापन बल की लंबवत दिशा के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में हो। तो भौतिकी में यदि हम परिभाषा याद रखें तो याद रखना है आपको कि भौतिकी में कार्य का होना तभी माना जाता है जब वस्तु पर बल लगाने पर विस्थापन बल की लंबवत दिशा के अतिरिक्त किसी भी दिशा में हो। तो हम याद रखिए कार्य क्या होता है, कार्य किसे कहते हैं। भौतिकी में कार्य का होना तभी माना जाता है जबकि वस्तु पर बल लगाने पर उसमें जो विस्थापन है, बल लगाने पर जो विस्थापन है बल की लंबवत दिशा के अतिरिक्त किसी भी दिशा में हो, तो इसे हम कार्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम किसी पुस्तक को, कोई पुस्तक है जमीन पे है और उस जमीन से उस पुस्तक को हम उठाकर किसी अन्यत्र स्थान पे, जैसे ये पुस्तक है, इस पुस्तक को जमीन पर है, जमीन से उठाकर किसी अन्यत्र स्थान पर ले जाकर रख दें, तो यहाँ पे बल लगाकर हम उस वस्तु का विस्थापन किए, वस्तु का विस्थापित हुआ। विस्थापन जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु को ले जाना, ये कहलाता है विस्थापन। तो वस्तु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर विस्थापित कर रहे हैं, तो यह क्रिया जो है वो कार्य कहलाएगी। अब यदि हम उसी पुस्तक को जमीन से ऊपर की ओर उठाते जाएं, ऊपर की ओर उठा रहे हैं, तो जब धीरे धीरे हम उसे उठाएंगे तो कार्य होगा। परंतु यदि हम उस वस्तु को उठाने के पश्चात एक स्थान पर कुछ समय के लिए उस पुस्तक को यथावत रख दें, तो उस स्थान पे जहाँ पे वो पुस्तक को लिए मैं खड़ा हूँ, जैसा कि इस स्थान पे यदि मैं पुस्तक को लिए खड़ा हूँ, तो क्या इस पुस्तक पर कार्य होगा, क्योंकि यहाँ पे जो विस्थापन है वस्तु को मैंने उठाकर एक स्थान पे रख दिया है।
तो यहाँ पे जो कार्य है इस बिंदु पे, जब मैं पुस्तक को हाथ में लिए खड़ा हूं, यहां पे कार्य शून्य होगा। तो यदि पुस्तक को हम हाथ में खड़े रखते हैं तो कार्य वहां पे शून्य होता है, और वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पे यदि स्थान परिवर्तन होता है तो उसे हम कार्य कहते हैं। तो कार्य का जो होना वो दो बातों पर निर्भर करता है, पहला है आपका बल और दूसरा है विस्थापन। हम किसी भी वस्तु को बल लगाकर उस वस्तु का दूसरे स्थान पे स्थान परिवर्तन करते हैं, तो बल और विस्थापन दो बातें हैं कार्य के होने के लिए जो कि आवश्यक हैं। तो कार्य संपन्न होने के लिए, कार्य संपन्न होने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। पहला बल और दूसरा विस्थापन। तो इस प्रकार से कार्य संपन्न होने के लिए दो बातें आवश्यक हैं, बल और विस्थापन। आइए आगे हम देखते हैं कि अचर बल के द्वारा किया गया कार्य, दूसरा आगे हमारा जो टॉपिक है वो अचर बल अचर बल द्वारा किया गया कार्य। यहां पे आप देखते हैं कि अचर बल के द्वारा किया गया कार्य। अचर बल क्या होता है? अचर बल वह बल है जिसका द्रव्यमान एक निश्चित होता है। एक हम निश्चित द्रव्यमान का बल लगाएं, वह कहलाता है अचर बल। तो किसी भी कार्य की माप, कार्य की जो माप है वह बल के परिमाण और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम कार्य बराबर कहेंगे, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। कार्य को हम अंग्रेजी में वर्क कहते हैं, वर्क। तो कार्य को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल अक्षर W से प्रदर्शित करते हैं, W। बल जो होता है फोर्स, उसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। बल की दिशा में विस्थापन को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जिसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम कहें तो कार्य जो है W इज इक्वल टू F इंटू डी। वर्क जो किया गया कार्य है वर्क, बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अब यदि हम किसी भी वस्तु पे बल लगाएं और
बल लगाने पर जो विस्थापन है बल की दिशा में ना होकर किसी अन्यत्र दिशा में, तो क्या होगा? तो यदि हम वस्तु पे बल लगाएं, यदि वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु का विस्थापन बल की किसी अन्य दिशा में, बल की दिशा में ना होकर अन्य दिशा में हो। अब हम यदि अचर बल के द्वारा कोई कार्य करते हैं तो कार्य जो होता है बल और बल की दिशा में विस्थापित होता है, लेकिन वस्तु पर यदि हम बल लगाएं और जो वस्तु का विस्थापन है बल की दिशा में ना होकर किसी अन्य दिशा में हो, जैसे ये एक वस्तु है यदि हम देखें तो हम इस पे बल लगा रहे हैं आगे की ओर, लेकिन इस वस्तु का विस्थापन ऊपर की ओर हो गया, ये विस्थापित इस ओर में हो गया, तो विस्थापन को हम लोग d से दर्शाते हैं। तो इस वस्तु पे बल लगाते हैं आगे की ओर, तो लेकिन बल का विस्थापन किसी अन्य दिशा में हो, बल की दिशा से किसी अन्य दिशा में हो, तो इनके बीच जो बनने वाला जो कोण है, माना कि वो थीटा है, तो इस पर घटक, इस वस्तु पे घटक जो कार्य करेगा वो कार्य करेगा d cos थीटा। cos थीटा यहाँ पे क्षैतिज घटक कहलाता है। तो किसी वस्तु पे हम बल लगाते हैं तो दो उस पे घटक कार्य करते हैं, एक क्षैतिज घटक और लंबवत घटक। तो यहाँ पे चूंकि बल की दिशा हम आगे की ओर ले रहे हैं, वस्तु ऊपर की ओर विस्थापित हो रहा है, तो यहाँ पे क्षैतिज घटक कार्य करेगा d cos थीटा। तो यहां पे जो कार्य होगा, तो कार्य को हम W से दर्शाते हैं, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन है, तो कार्य जो है वो हमारा वर्क W है, F जो है वो बल है, और d cos थीटा, d cos थीटा यहाँ पे बल की दिशा में विस्थापन का घटक है। दोनों में अंतर केवल इतना ही है कि हम अचर बल द्वारा यदि कार्य करते हैं तो कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन लेते हैं, अन्य दिशा में यदि हम कार्य करते हैं तो कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन का घटक, ये कहलाता है W बराबर एफ डी कॉस थीटा। अब हम यहां पे देखें कि जो हम बल लगा रहे हैं और जो बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है F इंटू डी, एफ इंटू डी, ये एफ डी कॉस थीटा के बराबर होगा। अब यदि यहाँ पे दो समीकरण हैं, इन दोनों समीकरणों को देखें तो इनका एफ डी कॉस थीटा ये पक्ष आपस में क्या है, बराबर है, तो ये पक्ष भी आपस में बराबर होगा। इस प्रकार से किया गया जो कार्य W बराबर, यदि देखें तो W बराबर एफ इंटू डी, तो चूंकि इसका बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो W बराबर F इंटू डी, यहाँ पे जो कार्य है, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन कहलाएगा। F और D दो सदिश हैं, तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल, एक
अदिस राशि होता है, इसीलिए जो कार्य है वह एक अदिस राशि होती है, कार्य एक अदिस राशि है, कार्य कैसी राशि है, एक अदिस राशि है। अब इसके पश्चात हम आगे देखते हैं कार्य के मात्रक। कार्य के मात्रक, कार्य के मात्रकों को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वह निरपेक्ष मात्रक कहलाता है, निरपेक्ष मात्रक, और दूसरा गुरुत्वीय मात्रक। निरपेक्ष मात्रक के अंतर्गत यदि हम देखें तो निरपेक्ष मात्रक में कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक, एसआई जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, हिंदी में यदि हम इसे बोलें एसआई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंग्लिश में यदि हम बोलें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो मात्रकों की चार पद्धतियां होती हैं जिनमें से एसआई पद्धति में मात्रक कार्य का होता है जूल, एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक होता है जूल। अब ये जो जूल है ये कब एक जूल कहलाएगा, तो हम जानते हैं कि कार्य जो होता है वर्क W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। यदि हम एक न्यूटन का बल लगाएं, एक न्यूटन का बल हम किसी वस्तु पे लगाएं तो उस वस्तु का जो विस्थापन है वह एक मीटर हो जाए। यदि हम किसी वस्तु पर एक न्यूटन का बल लगाते हैं तो वो जो वस्तु है उसका विस्थापन एक मीटर, एक मीटर वो आगे वस्तु विस्थापित हो जाती है, तो जो किया गया कार्य है जो वर्क है वो हमारे पास आएगा एक न्यूटन, एक का एक से आप मल्टीप्लाई करेंगे एक आएगा, एक न्यूटन मीटर। तो एक न्यूटन मीटर किया गया जो कार्य है वह एक जूल कहलाएगा। तो एसआई पद्धति में जो कार्य का मात्रक है जूल, और एक जूल कब कहलाएगा, जब हम किसी वस्तु पर एक न्यूटन का बल लगाएं तो वस्तु का विस्थापन एक मीटर हो जाएगा, तो किया गया कार्य जो है वह एक जूल कहलाएगा। इसी प्रकार से हम सीजीएस मात्रक में देखें, कार्य का सीजीएस मात्रक, तो हम कार्य का सीजीएस मात्रक यदि देखें, सीजीएस, सी जो है वो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति है,
सीजीएस पद्धति जो है मात्रकों की पद्धति है, तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक कहलाता है अर्घ। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्घ। और आप जानते हैं कि जो कार्य है W बराबर F इंटू डी होता है। तो यदि हम किसी भी वस्तु पर एक डाइन बल का जो मात्रक है सीजीएस पद्धति में वो है डाइन, तो एक डाइन का यदि हम बल लगाएं, ये जो डाइन है वो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है, तो एक डाइन का हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो बल की दिशा में वस्तु का जो विस्थापन है वह एक सेंटीमीटर यदि हो तो जो किया गया कार्य है वो एक डाइन सेंटीमीटर कहलाएगा। और यह जो है एक अर्घ के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम अर्घ जो है कार्य का जो मात्रक है किसी भी वस्तु पर यदि हम एक डाइन का बल लगाएं तो बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन एक सेंटीमीटर हो तो किया गया कार्य अर्घ कहलाएगा। तो इस प्रकार से कार्य का SI मात्रक होता है जूल और CGS मात्रक जो होता है वह होता है अर्घ। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे, कार्य का जो SI मात्रक है वो जूल होता है और CGS जो मात्रक होता है वह होता है अर्घ। अब कार्य के इन जो मात्रक हैं SI मात्रक जूल और CGS मात्रक अर्घ में हम संबंध स्थापित करते हैं कि कार्य के मात्रक जूल और अर्घ में क्या संबंध है, इनके बीच संबंध होता है उसको देखते हैं। तो जूल और अर्घ में संबंध, कार्य के मात्रक जूल और अर्घ में संबंध। अभी हमने देखा कि एक जूल क्या होता था, तो सबसे पहले हम देखे थे कि कार्य जो W है वर्क वो बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर है, W बराबर F इंटू डी। अब जूल में हमने देखा कि एक जूल कब होता है, जब आप एक न्यूटन का बल लगाते हैं और वस्तु का विस्थापन कितना होता है एक मीटर, तब उसे क्या कहते हैं आप, एक जूल। एक जो न्यूटन होता है, एक न्यूटन 10^5 डाइन के बराबर होता है, ये हम जानते हैं, पूर्व में आप पढ़ भी चुके होंगे कि एक न्यूटन जो है वो 10^5 डाइन के बराबर होता है। तो हम एक न्यूटन बराबर लिखेंगे 10^5 डाइन। और आप जानते हैं कि एक मीटर में एक मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो हम यहां एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हम लिख दिए। अब ये जो राशि है वो डाइन सेंटीमीटर में परिवर्तित हो गया, देखिए डाइन और सेंटीमीटर में परिवर्तित हो गया। अब यदि हम देखें 10^5
दस की घात पांच से क्या तात्पर्य है कि इसमें जो शून्य है वो कितनी बार आया है, पांच बार, और यहां पे कितने शून्य है, दो शून्य, तो पांच और दो कितने हो गए, सात। तो हम इसे आपस में गुणा करेंगे तो दस की घात हमारे पास क्या मिलेगा, सात। तो दस की घात सात क्या मिलेगा, डाइन, और यहां से सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने अर्घ में देखा कि अर्घ में जो इकाई होती है वो होती है डाइन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से 10 की घात 7 डाइन सेंटीमीटर बराबर क्या कहलाता है, वो अर्घ। तो इस प्रकार से हम यहां पे डाइन सेंटीमीटर को लिख सकते हैं अर्घ। तो इस प्रकार से ये जो हमारी राशि थी एक न्यूटन एक मीटर, ये जो थी जूल, उसको हमने किस में बदला, अर्घ में। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि एक जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ। तो एक जूल 10 की घात 7 अर्घ के बराबर होती है। तो एक जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ, इसे आप याद रखेंगे कि एक जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्घ। अब कार्य के मात्रक में हम दूसरा गुरुत्वीय मात्रक को देखें कि गुरुत्वीय मात्रक के अंतर्गत क्या होता है। तो गुरुत्वीय मात्रक गुरुत्वीय मात्रक अभी हमने देखा दो पद्धति, पहली थी आपकी एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है गुरुत्वीय मात्रक, गुरुत्वीय मात्रक किसका, कार्य का, कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में, ये होता है किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर। और किलोग्राम मीटर कब होगा, W बराबर हम जानते हैं F इंटू डी होता है। तो हम किसी भी वस्तु पे यदि बल लगाएं कितने किलोग्राम का, एक किलोग्राम का, तो कितना विस्थापन होगा उसमें, एक मीटर। तो इस प्रकार से एक किलोग्राम मीटर इसको आप पूरा भी लिख सकते हैं मीटर, तो एक किलोग्राम मीटर, चूंकि यह गुरुत्वीय मात्रक है तो एक किलोग्राम जो मीटर है वह 9.8 जूल के बराबर होगा। ऐसा ही पद्धति में चूंकि हम कार्य का मात्रक जूल लेते हैं इसीलिए गुरुत्वीय मात्रक एसआई पद्धति में कुल एक किलोग्राम मीटर, जिसे हम कार्य में यदि बदलें वर्क में तो 9.8 जूल की प्राप्ति होती है, 9.8 जूल। और सीजीएस मात्रक जो होता है, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, तो इसमें ग्राम सेंटीमीटर कहलाएगा। एसआई में होता है किलोग्राम, सीजीएस में होता है ग्राम, एसआई में होता है
लंबाई का मीटर मात्रक, और लंबाई का होता है यहाँ पे सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम ग्राम सेंटीमीटर कहेंगे और यहाँ पे किलोग्राम मीटर। और यदि हम देखें तो W बराबर हम कहेंगे 1 ग्राम, बल लगाएं तो वस्तु का जो विस्थापन है वो 1 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से 1 ग्राम सेंटीमीटर वस्तु के द्वारा किया गया कार्य होगा। और CGS पद्धति में जो बल का जो मात्रक हम लेते हैं वो होता है 980 डाइन, 980 डाइन, 980 डाइन बल का जो मात्रक है यदि हम लगाएं तो वस्तु का जो विस्थापन है वो 1 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से 980 डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर किस में आता है, अर्ग में। तो इस प्रकार से किया गया कार्य 980 अर्ग कहलाएगा। यहां पे यदि हम देखें तो 9.8 जूल, तो ये 9.8 जो जूल है वह 9.8 न्यूटन का हम बल लगाएं और वस्तु में जो विस्थापन है वो कितना होगा, 1 मीटर। तो 9.8 न्यूटन गुणित 1 मीटर ये कहलाएगा 9.8 जूल। जिस प्रकार यहाँ पे 980 डाइन का बल लगाते हैं, 1 सेंटीमीटर विस्थापन होता है तो हम उसे 980 अर्ग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से 9.8 न्यूटन का यदि हम बल लगाएं, विस्थापन 1 मीटर होता है तो वो 9.8 जूल कहलाता है, क्योंकि जो ये न्यूटन मीटर जो इकाई है वो जूल के अंतर्गत आती है और डाइन सेंटीमीटर वह अर्ग के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से कार्य के जो मात्रक हैं, गुरुत्वीय मात्रक SI पद्धति में किलोग्राम मीटर हैं और CGS पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अब आगे कार्य का हम विमीय सूत्र देखते हैं। कार्य का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र, पूर्व के अध्याय मापन में आपने विमीय सूत्र के बारे में अध्ययन किया होगा। विमीय सूत्र हम कार्य का यदि हमको ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि जो कार्य है वो बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन होता है, तो W बराबर F × D। अब इसमें हम कार्य का विमीय सूत्र हमको ज्ञात करना है तो उसके लिए यहाँ पे 2 राशियाँ हैं, पहला है बल और दूसरा है विस्थापन। इन दोनों राशियों का विमीय सूत्र आपको ज्ञात होना चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है? बल का विमीय सूत्र, बल का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है MLT-2। M यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान है, L क्या है, लंबाई है, T क्या है, समय। तो बल का जो हमारा विमीय सूत्र होता है MLT-2। विमीय सूत्र में हम द्रव्यमान, लंबाई और समय को प्रदर्शित करते हैं। तो बल का जो विमीय सूत्र होता है MLT-2
डी डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, दूरी है या विस्थापन है। दूरी या विस्थापन अर्थात क्या है, लंबाई। तो लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। एम जो है वो द्रव्यमान है, एल जो है लंबाई, दूरी है। तो यहाँ पे बल का जो भी सूत्र हो गया एम एल टी माइनस टू, और डी जो है वो लंबाई, लंबाई का एल। आप जानते हैं कि यदि आधार बराबर हो, आधार बराबर हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, और M वाला M के साथ जुड़ता है, L वाला L के साथ जुड़ता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस राशि में M और T के पद नहीं है, तो L वाला किससे जुड़ेगा, L से। अब इस L की घात में कितना है, यहाँ पे कितना है, एक, और इस L की घात में कितना है, एक। तो जब आधार बराबर हो तो घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो L की पावर 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, L की पावर में 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा कार्य का विमीय सूत्र मिला M L स्क्वायर T माइनस 2। तो जो कार्य का विमीय सूत्र होता है M L स्क्वायर T माइनस 2, या आप बोल सकते हैं M L की घात 2 T की घात ऋण 2, ये कार्य का होता है विमीय सूत्र। आगे हम देखते हैं कार्य की प्रकृति। कार्य की प्रकृति, कार्य किस प्रकार से, कार्य जो है उसकी प्रकृति होती है, कार्य की प्रकृति। कार्य की प्रकृति के लिए हम विचार अध्ययन करने से पहले हम ये जानते हैं कि जो किया गया कार्य है W बराबर एफ डी कॉस थीटा। ये हमने पढ़ा है कि कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन का घटक, ये कॉस थीटा क्या है, विस्थापन का घटक है। तो W बराबर हम कहेंगे एफ डी कॉस थीटा। इसमें पहला कि जो थीटा है, थीटा का जो मान है, जो इनके बीच का बनने वाला कोण है, बल और विस्थापन के बीच का कोण जो कि है थीटा, ये यदि जीरो अंश हो, थीटा बराबर जीरो अंश, थीटा बराबर जीरो अंश होगा तो कॉस थीटा का मान यदि हम निकालें, कॉस थीटा यदि हम निकालें त्रिकोणमिति सारणी के आधार पर, तो कॉस जीरो का मान क्या होता है, कॉस जीरो का मान वन होता है। तो कॉस जीरो बराबर हमको मिलेगा वन। अब यदि इस समीकरण में हम मान रखते हैं तो W बराबर क्या आएगा, एफ डी कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान क्या है, कॉस जीरो, और इसका मान मिला वन। तो किया गया कार्य W बराबर कॉस थीटा का मान क्या हो रहा है हमारे पास, वन। तो ये कॉस थीटा है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक हो गया। कौन कौन सी राशि बचेगी, F इंटू डी। इस प्रकार से किया गया कार्य W बराबर F इंटू डी आपको प्राप्त होगा, जो कि क्या होगा, अधिकतम। तो जब थीटा का मान यदि जीरो अंश हो, बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वो जीरो अंश हो, तो किया गया कार्य अधिकतम होता है। दूसरा, थीटा का मान यदि 180 अंश हो, यदि बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है 180 अंश हो, तब क्या होगा, कॉस थीटा का मान हम निकालते हैं, तो कॉस
थीटा का मान हम कितना ले रहे हैं, 180 अंश, तो थीटा की जगह हम रख दिए 180 अंश। कॉस 180 अंश का मान कितना होता है, यदि हम त्रिकोणमिति सारणी में देखें तो कॉस 180 अंश का मान होता है ऋण एक। तो हम ये मान पुनः फिर इस समीकरण में यदि रखें तो W बराबर एफ डी, और ये कॉस थीटा, कॉस थीटा का हमको मान कितना मिल रहा है, ऋण एक। तो किया गया कार्य W बराबर एफ, और डी तो है ही है, एफ इंटू डी हमारे पास है। कॉस थीटा का मान कितना है, ऋण एक, ये इनसे गुणा होगा, इसका मान हो गया ऋण एक, एफ डी से यदि गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस एफ डी। तो इस प्रकार से जो कार्य है वो कैसा आया, माइनस लग गया तो ऋणात्मक। तो इसे हम क्या कहेंगे कि जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहां पे यदि हम लिख देते हैं कि कार्य कैसा होगा, तो कार्य जो होगा वो यदि थीटा बराबर 180 अंश है तो ऋणात्मक होगा। तीसरा, यदि हम थीटा बराबर 90 अंश लें, जो बल और विस्थापन है उनके बीच का कोण यदि 90 अंश हो, उस कंडीशन में क्या होगा, कॉस थीटा, थीटा का मान हमको कितना रखना है 90 अंश, तो कॉस 90 अंश बराबर, कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, शून्य। तो कॉस 90 अंश का मान होता है शून्य। यदि हम यहां पे मान रखें तो कॉस थीटा का मान शून्य हो गया, और किसी भी राशि में यदि मान शून्य हो गया तो वो पूरी जो राशि है वो शून्य हो जाएगी। तो किया गया जो कार्य है W बराबर हो गया शून्य। इस प्रकार से कार्य क्या होगा, क्या कहलाएगा, शून्य। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि कार्य जो है वो अधिकतम, अधिकतम से तात्पर्य ये कैसी राशि है, यहाँ पे यदि हम देखें तो धनात्मक है, तो इसे हम अधिकतम भी कह सकते हैं या कह सकते हैं धनात्मक। तो कार्य कैसी हो सकती है, कार्य जो है वो धनात्मक भी हो सकती है। तो कार्य धनात्मक अर्थात अधिकतम, दूसरा ऋणात्मक और शून्य। तो हम कहेंगे कि कार्य धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। तो इस प्रकार से जो कार्य है वह धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और शून्य होता है। ये है कार्य की प्रकृति, तीन प्रकार से हो सकती है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य। इन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्यों पर हम अगली की कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।